के दिन इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी के द्वारा अवार्ड मिलना, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आज तमाम देशवासियों को और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से भारत में जितने भी अच्छे सोशल वर्कर हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, मानवीय अधिकारों का जितने लोग सम्मान करने वाले हैं, उनको पुरस्कृत किया गया है। और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को जो मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा जो काम किया इस देश में, उसकी वजह से उनको सम्मानित किया गया है, उसको उन्हें सम्मानित किया गया है। एक बहुत खुशी की बात है कि आज का जो दिन है 11 अप्रैल को भारत में एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ था। उस महापुरुष का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। आज से 190 साल पहले पैदा हुए थे, तो उनके 190वीं जन्म जयंती है और उसके उपलक्ष में जो इस दिन को चुना गया है, तो मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस की भी, और ह्यूमन राइट्स के जितने भी वायलेट करने वाले लोग हैं उनको भी एक सबक मिलेगा कि मानवीय मूल्यों का, मानवीय अधिकारों का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मानवीय मूल्यों का, मनुष्य का, मनुष्यता का सम्मान होना चाहिए, जिससे जो है देश में नहीं पूरे विश्व में भाईचारगी बने और सामुदायिक जन भावना, जन जो है शोषण ना हो के, बल्कि जो है जन कल्याण का होना चाहिए, लोक कल्याण का होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया और मुझे मेरे हाथों से धन्यवाद आप सभी। आ जाइए आज तक में आ जाइए।